स्वाहा, ये मंत्र है परिपूर्ण सवा लाख जाप इसके होते और मरघट की मिट्टी ले या शमशान की मिट्टी ले या उनके पैरों की मिट्टी ले। चलिए आगे आपसे पंडित जी हम जानेंगे कि ये तमाम तंत्र मंत्र, ये तंत्र साधना जो होती है शमशान में ही क्यों होती है, अगर शमशान से अगर बाहर करेंगे तो उसका क्या प्रभाव रहेगा। और सनल एडमार को हमारे साथ हैं, जाने माने रैशनलिस्ट हैं। सनल आप क्या मानते हैं? जाहिर सी बात है आप कहेंगे कि ये बिल्कुल संभव नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है क्योंकि तंत्र शक्तियां कोई माने नहीं रखती। बहुत सिंपल है ये साइकोलॉजी क्या होती है? बहुत सिंपल है, ये तंत्र मंत्र यंत्र ये सब चीजें बिल्कुल अंधविश्वास है, तो कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ये सच है तो ये हमारा तांत्रिक दोस्त है, उनको मैं एक चैलेंज दे रहा हूँ। ये मैं हमारा शरीर से जो कुछ चाहिए ले लो, अपना तंत्र शक्ति से जो कुछ करना चाहिए इसी करके टेलीविजन में सबको दिखा दो, नहीं तो छुट्टी कर दो, ऐसा अंधविश्वास मत प्रचार कर दो। तो अभी इनकी तबीयत खराब हो जाएगी। सर चैलेंज कर रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, अलग है, चैलेंज कर रहा हूँ। ये कुछ शक्ति है तो दिखाओ। सवाल ये उठता है कि क्या तंत्र मंत्र के जरिए कोई किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, यहां तक कि उसका जान का दुश्मन बन सकता है? तांत्रिक पंडित सुरेंद्र शर्मा और सनल मार्कू हमारे साथ हैं। पंडित जी ये बताइएगा कि जो तंत्र साधना हमने दिखाई है ये शमशान में होती दिखाई है, एक फोटो उमा भारती का रखा है, आपने ही बताया कि वो नाम लिया जाता है वो क्रियाएं करते वक्त, तो ये शमशान में ही क्यों होता है? ये शमशान में इसलिए होते हैं कि वहां पर जो आत्माएं होती हैं, जिन आत्माएं जो अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है, वो आत्माएं मंत्रों से सकारात्मक ऊर्जा ले लेती हैं, और जिसके निमित्त छोड़ा गया है, जैसे इनके निमित्त छोड़ा गया है तो इनको वाइब्रेट करेंगी, और उमा भारती के निमित्त छोड़ा गया है तो उनके वाइब्रेट करेंगी, देखिए स्पष्ट कह रहा हूँ, और आपके निमित्त किया गया है तो आपको वाइब्रेट करेंगी। जी समझ, तो आत्माएं भटकने की बात है, शमशान में आत्माएं भटकती हैं जी पंडित जी कह रहे हैं, और उसके बाद फिर वो वाइब्रेट करती हैं जो जिसके वाइब्रेशन आत्मा, ये सब चीजों तो कोई मतलब नहीं है, वैज्ञानिक आधार में कुछ नहीं, ये मंत्र तंत्र के लोगों में, ये तो आम लोगों का अंधविश्वास छपके उन लोगों से फायदा उठाने के लिए, हमारा पौराणिक विश्वास है तो फायदा उठाने के लिए कोशिश करेगा। इसके अलावा एक और चीज है, कुछ लोग तो बहुत इनसिक्योर है पॉलिटिक्स में, तो इनसे इनसिक्योरिटी की वजह से ये सब सोचेंगे एक पैरानोइया होने के चांसेस है, क्योंकि हर चीज कुछ हो गया, कुछ बाई चांस कुछ एक्सीडेंट हो गया, बाई चांस कुछ नेचुरली कुछ हो गया है, वो चीज घर कर जाती है दिमाग में। नॉर्मल चीज हर घर में कुछ कुछ ना कुछ हो जाएगा, नॉर्मली एनीबॉडी कैन हैव सम प्रॉब्लम। ये सब तो जब विश्वास है वो सोचेगा हाँ किसी ने कुछ किया है, यानी आप कह रहे हैं कि पूरी तरह से ये ह्यूमन साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है, बिल्कुल कौन किसको कैसे लेता है। अगर तंत्र मंत्र को आप इस तरह से ले रहे हैं कि वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो आपको लगने लगेगा कि ये हाँ तंत्र मंत्र आपको नुकसान पहुंचा रहा है। एक्सैक्टली, पहले से क्या परिवर्तन है अब इनको देखिए, अब इनके परिवर्तन नहीं है। नहीं मैं ये कह रहा हूँ, अब वर्तमान समय में, इसके बाद 3 मिनट लूंगा जी, 3 मिनट बाद क्या परिवर्तन हुआ ये रिमार्क देंगे, क्या परिवर्तन कर, क्या परिवर्तन बताया वो मंत्रों से, मंत्रों से मतलब क्या परिवर्तन, स्पर्श और मंत्र शक्ति चिकित्सा, मंत्र और स्पर्श शक्ति चिकित्सा। अभी तो जो है आप कुछ भी कहें, लेकिन उसके बाद जो रिमार्क, चलिए बचने के लिए अगर आप कहें उमा भारती के बचने के लिए कोई इसके उपाय हो सकते हैं? हाँ बचने, अगर तंत्र मंत्र किसी को नुकसान पहुंचा सकता है तो तंत्र मंत्र किसी को बचा, बिल्कुल बिल्कुल बचा सकता है जी, तो वो उसके लिए गुरु का मंत्र है, मैं अभी इनको इनके ऊपर जो करके दिखाता हूँ। हाँ वो तो जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये अंधविश्वास को खत्म करने के लिए बहुत अच्छा चीज है, आपका शक्ति कुछ नहीं है, हम अभी देखेगा। चलिए